हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी एस्परगस प्लांट के बारे में जानकारी। इस प्लांट को हम किस तरह से केयर करें और इसकी प्रोपगेशन हम कैसे करें, जिससे कि एक बार इन्वेस्ट करने के बाद इस प्लांट से हम ढेरों प्लांट बना सके। फ्रेंड्स, ये प्लांट जो है बहुत ही इजी टू ग्रो है, बिगनर्स के लिए सबसे अच्छा प्लांट है। जिनको प्लांट के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है और जो प्लांट के केयर करने के लिए टाइम नहीं दे सकते हैं, उनके लिए ये प्लांट बेस्ट एंड बेस्ट है। एक बार इन्वेस्ट करने के बाद दोबारा इस प्लांट पे आपको कभी भी इन्वेस्ट करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये प्लांट कुछ इस तरह का प्लांट है जिससे कि आप एक बार परचेस करेंगे और उसके बाद बहुत सारे प्लांट इस प्लांट से बना सकेंगे। तो किस तरह से हम इससे बहुत सारा प्लांट बना सकते हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। पहले मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूं कि इसकी देखभाल हमें कैसी करनी है। वैसे तो इस प्लांट की कोई देखभाल नहीं करनी है, बट इसके जो मिनिमम सी जो केयर है वो हमें जरूर ही जाननी चाहिए, अदरवाइज ये प्लांट खराब हो सकता है। ये प्लांट बहुत ही जल्दी रूट रॉट से मर जाता है और उसकी वजह है ओवर वाटरिंग। तो इस प्लांट में फ्रेंड्स ध्यान बस इतना ही रखना है कि हमें इसी मिट्टी जो बनानी है वो वेल ड्रेन बनानी है, ऐसी मिट्टी जिसमें पानी डाले और तुरंत सारा पानी ड्रेन आउट हो जाए। पानी इसमें ठहरना नहीं चाहिए, अदरवाइज ये प्लांट खराब हो सकता है। और पानी हमें तभी इस प्लांट को प्रोवाइड करना चाहिए, तभी देना चाहिए जबकि इस प्लांट की मिट्टी अच्छी तरीके से सूख जाए। सिर्फ और सिर्फ हमें पानी पे ही इस प्लांट पे ध्यान रखना पड़ता है, तभी ये प्लांट हमारा अच्छी तरीके से चल जाता है। ये प्लांट इतना हार्डी प्लांट है फ्रेंड्स कि हर स्थिति में ग्रो हो जाता है। आप इस प्लांट को अपने बालकनी में रख सकते हैं, अपने टेरेस पे रख सकते हैं, आप इंडोर रख सकते हैं, आउटडोर रख सकते हैं, कैसे भी आप इस प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। ज़्यादा फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट इस प्लांट को नहीं होती है। मैं तो कहूँगी कि बिल्कुल भी फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। मैं जैसे नॉर्मली सारे प्लांट को जैसे लिक्विड फर्टिलाइज़र देती हूँ, बस मैं उतना ही करती हूँ और अलग से मैं इसमें कोई भी ड्राई कंपोस्ट नहीं डालती हूँ। फिर भी आप देख सकते हैं मेरा ये प्लांट काफ़ी सुंदर है, काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो हो रहा है और कोई दिक्कत नहीं हो रही है। ये प्लांट फ्रेंड्स ज़्यादा महंगा नहीं आता है, मिनिमम से 30-40 रुपीज़ में आपको आसानी से नर्सरी में मिल जाएगा और बस इतना ही इन्वेस्ट करना है, उसके बाद इस प्लांट से आप ढेरों प्लांट बना सकते हैं। पेस्ट का अटैक नहीं लगता है, इसीलिए किसी भी तरह की कोई पेस्टिसाइड्स का यूज़ करना नहीं पड़ता है इस प्लांट में और इजीली आप इसकी केयर भी कर सकते हैं। और प्रोपगेशन फ्रेंड्स, ये प्लांट प्रोपगेट करना बहुत ही ज़्यादा आसान है, इजीली ये प्लांट प्रोपगेट हो जाता है। आप देख सकते हैं ये प्लांट कुछ इस तरह से ग्रो होता है, इसके जड़ों के पास से ढेर सारे बेबी प्लांट निकलते रहते हैं, नए नए ढेर सारे पौधे बनते रहते हैं। इसी तरह से फ्रेंड्स इसमें भी आप देखेंगे इसके जड़ों के पास से ढेर सारा पौधा बनते रहता है और इन्हीं को अलग करके हम प्रोपगेट कर सकते हैं। ये प्लांट जो है नीचे मिट्टी में बल्ब बनाता है, यानी ट्यूबर्स बनते हैं इसके, छोटे छोटे ढेर सारे ट्यूबर्स बनते हैं, जैसे कि स्पाइडर प्लांट में होते हैं उसी टाइप से इसमें भी ट्यूबर्स होते हैं। उनमें काफी पानी स्टोर होता है और उसी से ये प्लांट अपनी जितनी पानी की रिक्वायरमेंट है पूरी करते रहता है। इसीलिए ओवर वाटरिंग तो बिल्कुल भी इस प्लांट में नहीं करना होता है। आप देख सकते हैं इसकी मिट्टी मैंने बिल्कुल ड्राई रख रखी है, एकदम ड्राई है मेरी प्लांट की मिट्टी। मैं इसमें पानी 3-4 दिन में एक बार देती हूँ और जब भी मैं देती हूँ तब इसमें अच्छी तरीके से दे देती हूँ, फिर उसके बाद 3-4 दिन तक मैं इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं देती हूँ, तभी ये प्लांट बहुत ही अच्छी तरीके से चलता है। अब देखते हैं फ्रेंड्स इस प्लांट को हम प्रोपगेट कैसे कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से हम इस प्लांट को प्रोपगेट कर सकते हैं, इस तरह से जो आप देख रहे हैं, इस तरह से ढेर सारे इसमें जो निकले हुए हैं स्टेम, उन्हीं को बस हमें थोड़ा सा इसमें से अलग करके निकाल लेना है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जस्ट इतना सा हम इसमें से पकड़ लेते हैं ऐसे और कुछ इस तरह से हम इसको खींच लेते हैं। देख सकते हैं आप, कुछ इस तरह से इसे खींच लेते हैं और इतनी आसानी से ये प्लांट से हम एक नया पौधा तैयार कर सकते हैं। यही है फ्रेंड्स ट्यूबर्स, जिसके बारे में मैं आपके साथ शेयर कर रही थी। इसमें ढेर सारा पानी स्टोर होता है, जिसकी वजह से प्लांट को ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है और ज़्यादा पानी होते यही गल जाता है, जिसकी वजह से प्लांट हमारा ख़राब हो जाता है। तो इतना ही आसान है इस प्लांट को केयर करना और प्रोपगेट करना। अब फ्रेंड्स इसे हम लगा लेते हैं। तो इस प्लांट को फ्रेंड्स आप छोटे से छोटे कंटेनर में भी लगा सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरा हैंगिंग बास्केट है, जो कि इसमें मिट्टी मैंने ऑलरेडी तैयार करके रखा हुआ था। मिट्टी गीली हो चुकी है, एक्चुअली हमारे यहाँ पे बारिश हुई उसकी वजह से इसकी मिट्टी गीली हो गई है। इसमें फ्रेंड्स मैंने जो लिया है वो है कोकोपीट, बहुत थोड़ी सी मैंने इसमें मिट्टी डाली है
और इसमें मैंने कॉम्पोस्ट लिया, यानी कोकोपीट और कॉम्पोस्ट मैंने 50-50 ही लिया है और मिट्टी मैंने बहुत 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 थोड़ी सी ही डाली है। अब इसी तरह से मिट्टी मैंने तैयार की हुई है और इसमें मैंने इसे हमें इसमें बस लगा देना है, कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है, बस इसे लगा देना है। और क्योंकि मिट्टी अभी गीली है इसलिए मैं इसमें पानी नहीं डाल रही हूँ, तो इस तरह से हमें इसे रख देना है। छोटे कंटेनर में इस तरह के प्लांट जो है फ्रेंड्स बहुत ही आसानी से चलते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो करते हैं, ये मैंने खुद देखा है। इस तरह के प्लांट जो कि नीचे बल्ब रहते हैं, ट्यूब बनते हैं, उन्हें आप जितने छोटे पॉट में लगाएंगे वो प्लांट उतनी ही अच्छी तरीके से ग्रो करता है। इसी तरीके से फ्रेंड्स ये जो प्लांट आप देख रहे हैं लगभग 10 दिन पहले मैंने इसे लगाया है और आप देख सकते हैं इसकी जड़ें काफी मजबूती से ग्रो हो रही है और इसके रूट आप देख सकते हैं कुछ ही दिनों में मेरे इसमें कितनी अच्छी सी रूट आ गई है और ये प्लांट स्टेबल हो चुका है। तो बहुत ही जल्दी ये प्लांट स्टेबल भी हो जाता है, रूट डिवाइड करके हम इसे ढेर सारा भी बना सकते हैं। तो प्रोपगेट करना भी फ्रेंड्स बहुत ही आसान है, एक बार इन्वेस्टमेंट है इस प्लांट के पीछे, उसके बाद ये प्लांट खुद ब खुद इतना प्लांट तैयार करता है कि हम इसी से ढेर सारे प्लांट बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी बहुत ही मिनिमम सी जानकारी और मिनिमम सी केयर एस्परेगस प्लांट के बारे में, जो कि बहुत ही आसानी से हम ग्रो कर सकते हैं इस प्लांट को। और बिगनर्स इस प्लांट को ज़रूर लगाएं, हरा भरा एक खूबसूरत सा लुक अगर आप चाहते हैं अपने इंडोर, अपने बालकनी में, अपने टेरेस पे, कहीं पे भी, तो ये लो मेंटेनेंस प्लांट को आप ज़रूर लगाएं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, और पसंद आए तो प्लीज़ फ्रेंड्स इसे लाइक शेयर जरूर करिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए फ्रेंड्स, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी करें, साथ में बेल बटन भी दबाएँ जिससे कि आगे मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले किसी वीडियो में नई किसी इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। ओके देन, बाय।